पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइव की पेज नंबर 3, रेन ऑन द रूफ बाय कॉट्स किनली। कॉट्स किनली इसके पोएट हैं और ये जो पोयम है रेन के बारे में, रेन के से अटैच्ड फीलिंग्स के बारे में और ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में है, जो हीलिंग इफेक्ट है रेन का। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम। जो पोयम है रेन ऑन द रूफ, ये बात करती है पोएट्स के डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में जो वो रेनड्रॉप्स को सुन के उनके माइंड में आते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपने रूम में बेड पे लेटे हैं और बाहर जो रेन हो रही है उसकी जो साउंड उनकी रूफ पे गिर रही है, उसकी आवाज जो आ रही है वो फील कर रहे हैं। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेनड्रॉप्स हैं, बारिश की जो बूंदे हैं, वो आंसू जैसे हैं, टीयर्स जैसे हैं, जो कि नाइट बाहर ही है। यानी नाइट जो है वो बहुत डार्क है, सैड है, इसकी वजह से वो टीयर्स बाहर ही है और वो टीयर्स क्यों है रेनड्रॉप्स, यानी बारिश के फॉर्म में वो टीयर्स नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनको बेड में लेटना और बारिश को फील करना, रेन को, रेनड्रॉप्स की जो साउंड रूफ पे गिर रही है उसको फील करना उनको बहुत पसंद है और उससे उनकी बहुत सारी मेमोरीज भी अटैच्ड हैं। उनको बहुत सारी स्वीट मेमोरीज याद आ जाती है पास्ट की और उस आवाज की वजह से वो सो जाते हैं तो उनको बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स भी आते हैं और स्वीट ड्रीम्स में वो अपनी मदर को भी देखते हैं जो कि अब उनको छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ब्यूटी के साथ साथ पोएट्स की बहुत सारी स्वीट मेमोरीज भी जुड़ी हुई है चाइल्डहुड की। और वो कह रहे हैं कि जब डार्क क्लाउड्स स्काई को कवर कर लेते हैं तो रेन चुपके चुपके से आती है और उनको वो लेटना और वो लिसन करना, जो साउंड है रेनड्रॉप्स का, वो बहुत पसंद है। और वो जब अपने पास्ट को याद करते हैं तो उनको मदर्स के साथ भी जुड़ी हुई अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज भी याद आ जाती है, उनका वो लव अफेक्शन जो बचपन में उनको मिला था, तो ये सब उनको याद आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर द स्टेरी स्फियर्स एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द इन रेनी टीयर्स। यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड कौन है, फुल ऑफ मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड्स। यहाँ पे शेडो का मीनिंग क्लाउड्स है, यहाँ साथ में वर्ड मीनिंग भी देख दिए हैं। तो ह्यूमिड मतलब जो मॉइस्चर से भरी हुई चीज है, या शेडो, यहाँ पे शेडो का मीनिंग वैसे परछाई होता है लेकिन यहाँ पे शेडो का मीनिंग है वो क्लाउड जो कि मॉइस्चर से भरे हुए हैं, वो क्लाउड जो कि बादल, वो जो क्लाउड्स हैं जो कि बारिश लेके आते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं। हॉर मीन्स होता है फ्लोट इन द एयर, हवा में उड़ रहे हैं। तो एक दिन जब पोएट रात में लेटे हुए अपने बेड पे और बाहर बारिश हो रही है और जो बारिश की आवाज है रेनड्रॉप्स की आवाज उनके रूफ पे आ रही है, तो वो यहाँ पे उसको फील करके क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो क्लाउड्स जो बारिश के पानी से भरे हुए हैं, जो बारिश लेके आते हैं मॉइस्चर से भरे हुए जो क्लाउड्स हैं, वो स्टार से भरे हुए स्काई को पूरा कवर कर लेते हैं। यानी आकाश में बहुत सारे स्टार्स थे लेकिन अब बादल छा गए हैं और बादल कौन से, ह्यूमिडिटी से भरे हुए, बारिश से भरे हुए, पानी के, पानी से भरे हुए बादल हैं। तो इस वजह से पूरे स्काई पे जब वो बादल छा जाते हैं तो क्या छा जाता है, डार्कनेस। और डार्कनेस मतलब अंधेरा, और अंधेरा हमेशा दुख को, सैड को, सैडनेस को दिखाता है। तो मेलनकोली का मीनिंग होता है सैड या सोरोफुल। तो जो अंधेरा है, वो डार्कनेस है, वो बहुत ही दुखी है, वो सोरोफुल है, अपसेट है, सैड है, इसी वजह से वो टीयर्स बहा रहा है, वो आंसू निकल रहा है। और ये आंसू किसकी फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, रेनड्रॉप्स की फॉर्म में। तो यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि जब क्लाउड्स आते हैं पानी से भरे हुए और वो स्काई को पूरा घेर लेते हैं और स्काई के जितने भी स्टार्स हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, सब तारों को छुपा देते हैं और पूरे स्काई में काले काले बादल छा जाते हैं। तो डार्कनेस छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा बिल्कुल कैसा है, सैड है, सोरोफुल है और अपसेट है, इस वजह से वो टीयर्स बहा रहा है, सॉफ्टली, जेंटली वो टीयर्स बहा रहा है और ये टीयर्स ही रेनड्रॉप के फॉर्म में नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग्स तो देख लिए। पोएटिक डिवाइस जो है राइमिंग स्कीम है ए बी सी भी है, क्योंकि हॉर ए स्पियर्स को टीयर्स के साथ हम राइमिंग बनाएंगे तो बी, और डार्कनेस सी, तो ए बी सी भी इसमें राइमिंग स्कीम है। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब साउंड रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे एच साउंड रिपीट हो रहा है ह्यूमिड हॉर, तो यहाँ एच रिपीट हो रहा है, इस वजह से एलिट्रेशन है। इसी तरीके से स्टेरी स्फीयर्स, यहाँ पे भी एस साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन है। तो लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। अब यहाँ पॉइंट तो अपने बेड पे लेटे हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि पिलो को प्रेस करना, यानी कि यहाँ पे लेट के साउंड को सुनना कितना ब्लिस है। ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही हैप्पीनेस देता है। किस तरीके से हम लेटे हैं, उनके कॉटेज चैम्बर में वो लेटे थे, यानी बेडरूम में वो लेटे थे,
और अपने पिलो को प्रेस करके मतलब आराम से कंफर्टेबल होके वो लेटे हैं यहाँ पर और बहुत ही हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको साउंड ऑफ रेनड्रॉप सुनाई दे रहा है जो उनकी छत पे गिर रहा है, उनके रूफ पे जो बूंदी गिर रही है उसकी जो आवाज आ रही है उसको क्या यहाँ पे पैटर बोला गया है। तो जो पैटर साउंड आ रहा है यहाँ पे, जो बारिश की बूंदों का साउंड आ रहा है उनकी छत पे गिरने का, वो जो फील कर रहे हैं उनको बहुत हैप्पीनेस दे रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हम साउंड से वर्ड को रिलेट करते हैं तो वहां पोएटिक डिवाइस हो जाता है ओनोमेटोपोई। तो यहाँ पे पैटर एक साउंड को यूज करने के लिए यानी कि बारिश की बूंदों को दिखाने के लिए पैटर वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पे ओनोमेटोपोई है। पर्सोनिफिकेशन किया गया है रेन को, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों को जब हम लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। और एलिट्रेशन अभी हमने देखा था, पी साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो प्रेस पिलो और लाई लिसनिंग, ये सब एलिट्रेशन है क्योंकि इसमें साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे वो लेट के जो साउंड सुन रहे हैं, बारिश जब उनकी छत पे गिर रही है उसकी जो बूंदों का साउंड है वो उनको बहुत हैप्पीनेस दे रहा है। तो लेट सी थर्ड पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी टिंकल जो है यहाँ पे भी साउंड के लिए लिया गया है, तो ये भी एक ओनोमेटोपोई है क्योंकि रेनड्रॉप्स को हम अलग अलग तरीके से जो बारिश की बूंदों की आवाज होती है जैसे पैटर लिया है, टिंकल लिया है। और शिंगल्स का मतलब होता है जो टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स छत पे लगी हुई होती है, जो हमारे रूफ पे छत पे रेक्टेंगुलर टाइल्स लगी होती है उसके ऊपर बारिश की बूंदे गिर रही है। हैज एन इको इन द हार्ट, तो वो जो बूंदे गिर रही है वो हार्ट पे एक अच्छी सी फीलिंग ला रही है, गूंज रही है, यानी ये हार्ट को खुशी दे रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज, ड्रीमिंग फैंसीज का मतलब ड्रीम में, सपने में बहुत सारे आइडियाज आना, थॉट्स आना, हमारी पुरानी मेमोरीज आना। तो यहाँ पे जब पोएट लेटे हैं अपने बेड पे और सोच रहे हैं और बारिश की बूंदों को फील कर रहे हैं तो उनके हार्ट में एक आवाज गूंज रही है और उनको बहुत सारे उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, जो उनको स्वीट मेमोरीज आ रही है, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आइडियाज आ रहे हैं, जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जनरली इंसान बहुत बिजी होता है तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब वो रिलैक्स होके या लेटा हुआ है तो वो उसको बारिश की बूंदों को फील करता है, क्योंकि रेनड्रॉप्स तो सभी सुनते हैं लेकिन फील कौन करता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है या रिलैक्स मूड में बैठा होता है। तो यहाँ पे जो टिंकल है वो भी साउंड के लिए, बारिश की रिंगिंग साउंड, जैसे कोई घंटी बज रही है वो कहाँ बज रही है, हमारे हार्ट पे असर कर रही है, हमारे हार्ट में इको कर रही है। और जो टाइल्स है रूफ की उस पर उसकी आवाज गूंज भी रही है, हमारे दिल में तक पहुंच रही है। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज, ड्रीम जैसे कोई सपनों में चले गए, हम सपनों की दुनिया में चले गए, बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज हमारे माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट यहाँ पर अराउज होना यानी कि जाग जाना, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे मेमोरीज, फैंसीज, वो सब हमारे माइंड में जाग जाती है। तो यहाँ बिजी बींग किसके लिए कहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि इंसान वैसे बहुत ज्यादा बिजी होता है तो ब्यूटी ऑफ नेचर पे कई बार ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन जब वो रिलैक्स होता है, रात को लेटा है और बारिश की बूंदे छत पे गिर रही हैं और वो हमारे हार्ट को फील कर रही हैं, तो फिर हम बहुत सारे ड्रीम्स में, बहुत सारे आइडियाज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम देखें तो एलिट्रेशन है बिजी बींग में, क्योंकि बी साउंड फिर रिपीट हो रहा है, और टिंकल यहाँ पे मैंने बताया था, टिंकल यहाँ पे क्या है, रेनड्रॉप्स का साउंड है। और पर्सनिफिकेशन तो किया ही गया है रेन को। तो लेट्स सी नेक्स्ट। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, जब बहुत सारी मेमोरीज माइंड में आ जाती है तो रिकलेक्शंस कह सकते हैं कि वो मेमोरीज वापस रिकलेक्ट हो जाती है, यानी हम माइंड में उसको वापस से ले आते हैं। व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, व्यू मतलब होता है बुनना, जैसे हम धागों को इंटरप्लेस करके फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे माइंड में क्या चल रहा है, बहुत सारी मेमोरीज हमारे माइंड में आने लग जाती है और हम उसको बुन के इमेज बनाने लग जाते हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ये पैटर वर्ड फिर आपको याद आ गया होगा कि ओनोमेटोपोई है, क्योंकि पैटर रेनड्रॉप्स के साउंड को लिया गया है। तो जब छत पे बारिश की बूंदें गिरती हैं, रेनड्रॉप्स गिरती हैं, तो उसकी आवाज से बहुत सारी मेमोरीज हमारे माइंड में रिकलेक्ट होने लग जाती है और हम उनको सारी इमेजेस को वापस से एक तरीके से कलेक्ट करके इमेजेस बनाने लग जाते हैं। तो वूफ का मतलब होता है थ्रेड्स, जो कि मिलके एक इमेज बना देते हैं, फैब्रिक बना देते हैं। तो यहाँ एलिट्रेशन देयर थ्रेड, टी साउंड फिर रिपीट हो रहा है, रेन रूफ में आर साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। और हम जो पॉय में पैटर साउंड जो रेन की साउंड को, रेनड्रॉप्स के साउंड को दिखा रहा है।
देखते हैं फिफ्थ पैराग्राफ। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। अब इतने सारे जब मेमोरीज माइंड में आ गई तो एक मेमोरी कौन सी आ गई, मदर की, यानी कि पोएट की मदर बहुत सालों पहले उनको छोड़ के दुनिया से जा चुकी है, उनकी डेथ हो गई है, तो अब पोएट के माइंड में यहाँ पे उनकी मदर आ गई है। एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन, वो जैसे कि पहले उनकी चाइल्डहुड में उनकी केयर करती थी, उनको बहुत प्यार करती थी और उनका ध्यान रखती थी, तो वो सब उनको याद आ गया। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो यहाँ पे अगोन मतलब तो पास्ट में वो चली गई थी और उनको पास्ट की मेमोरीज वापिस से आ गई, और डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब मदर की बहुत ही लविंग होते हैं चिल्ड्रन, मदर कैसे केयर करती है बार बार अपने बच्चों को, रात में भी देखती हैं कि सही से उड़ रखा है कि नहीं और उनका ध्यान रखती हैं, तो रात भर उनके दिमाग में मदर की ड्रीम्स चलते रहते हैं। और कब मदर चली जाती है, जब डॉन का टाइम आ जाता है, डॉन मतलब टाइम ऑफ सनराइज, डे ब्रेक, जब दिन की स्टार्टिंग हो जाती है, सनराइज आ जाता है, तब ड्रीम खत्म हो जाते हैं, रात खत्म हो जाती है, तो वो जो सारे ड्रीम्स होते हैं मदर के वो भी चले जाते हैं, यानी मदर भी उनको छोड़ के चली जाती है। तो रात भर तो मदर उनकी मेमोरीज में, उनकी ड्रीम्स में रहती है और उसी तरीके से प्यार और अफेक्शन दिखाती है जैसे वो पहले दिखाती थी, और जब सुबह का टाइम होता है, सनराइज का टाइम होता है, तो मदर छोड़ के चले जाती है क्योंकि उनकी ड्रीम्स भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मदर की लव को भी दिखाया गया है कि कितना प्यार करती है मदर अपने बच्चों को, लव अफेक्शन और केयर करती है। यहाँ पोएटिक डिवाइस में एम साउंड रिपीट हो रहा है एलिट्रेशन में, मेमोरी माई मदर और डार्लिंग ड्रीमर्स, तो एलिट्रेशन हम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लास्ट इसका स्ट्रेंजर है, ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी। अब यहाँ पे मदर को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है पोएट, वो कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से मुझे लव केयर करती थी, फुल ऑफ लव और अफेक्शन का जो उनका ट्रीटमेंट था, मेरे तरफ बिहेवियर था, मुझे बहुत याद आ रहा है, उनको बहुत ज्यादा फील हो रहा था और वो उस मेमोरी को रो नहीं पा रहे थे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और क्यों, क्योंकि जो सॉन्ग या पोएम का एक पार्ट होता है रिफ्रेन, यहाँ पे किसके लिए लिया है, रेन के लिए, ऐसा लग रहा है रेन ड्रॉप्स जो उसकी छत पे गिर रही है वो कोई सॉन्ग सुना रही है, कोई पोएम सुना रही है, और जो साउंड आ रहा है रेन का वो मुझे अपनी मदर की याद दिला रहा है, और वो मदर का लव अफेक्शन बिल्कुल दिल से नहीं जाता है, वो तो बहुत ज्यादा उसको यहाँ पे याद आ रहा है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, ये वही लाइन्स यहाँ पे रिपीट हुई है, रिपीटेशन है। उनकी जो रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई थी वहां पे जब रेन ड्रॉप्स गिर रही थी तो पैटर का साउंड निकल रहा था और डिफरेंट तरह के साउंड निकल रहे थे, तो वो उनके माइंड में उनकी स्वीट मेमोरीज से, उनकी जो पुरानी यादें थी उन सबको जगा रही थी, और वहां यहाँ पे उनको अपनी मदर भी याद आ गई, उनका प्यार भी याद आ गया, और अब वो मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशनल हो गए हैं। तो यहाँ पे लिस्ट जो वर्ड है वो लिसन के लिए है, ये लिस्ट यहाँ पे लिसन है, और रिफ्रेन यहाँ पे यानी साउंड ऑफ रेन, तो जब वो साउंड ऑफ रेन को सुनते हैं जो कि उनकी छत पे गिर रही है रेन ड्रॉप्स, उसकी आवाज को जब वो सुनते हैं तो उनको अपने बचपन की सारी यादें आ गई और साथ में मदर की भी याद आ गई जो कि उनको बहुत प्यार करती थी। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द थीम एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। तो आप समझ गए होंगे कि जो पोयम है ये हमें हीलिंग पावर ऑफ रेन बता रही है, यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर जो होता है, नेचर में हीलिंग पावर होता है, वो हमें रिलैक्स भी करता है, हमारी बहुत सारी मेमोरीज को भी जगा देता है, और जो म्यूजिकल साउंड था रेन ड्रॉप्स का जो कि छत पे गिर रहा था, रूफ टॉप पे गिर रहा था रात के टाइम, वो उस रेन ड्रॉप के साउंड की में इतनी एबिलिटी थी कि उसने सारी स्वीट मेमोरीज को रिवाइव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, रिकॉल कर दिया, और राउज फैंसीज इन द अदरवाइज बिजी माइंड। तो जो बिजी इंसान होते हैं और कई बार ब्यूटी ऑफ नेचर पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रात के टाइम पे जब हम रिलैक्स होकर साउंड को सुनते हैं तो हमें सारा अपना चाइल्डहुड और अपनी सारी स्वीट मेमोरीज, हमारा पास्ट सब याद आ जाता है। तो ये ब्यूटी ऑफ नेचर है और नेचर के हीलिंग पावर, यानी कि नेचर में ऐसा पावर होता है कि वो इंसान की मेमोरीज से अटैच हो जाता है, बहुत सारी मेमोरीज को जगा देता है, और द रेन द सूथ एंड कम्फर्ट, और हमें कम्फर्टेबल भी बनाता है, हमें एक तरीके से सूथिंग इफेक्ट देता है, यानी कि हमारे मन को रिलैक्स करता है और हमें टेंशन फ्री करके रिलैक्स कंफर्टेबल बनाता है, और हमारे माइंड को लवली पास्ट में, हमारी स्वीट मेमोरीज में, स्वीट ड्रीम्स में ले जाता है। तो अगर हम दिल से स्वीट मेमोरीज को फील करें या ब्यूटी ऑफ नेचर को हम फील करें, क्योंकि सेंसिबल पर्सन ही फील करते हैं और उसको इमोशनल पर्सन ही फील करते हैं, तो अगर हम ब्यूटी ऑफ नेचर को दिल से फील करें तो हमें हमारे बहुत ही मतलब माइंड को रिलैक्स लगता है और हमें एक सूथिंग इफेक्ट लगता है कि हाँ हम सब टेंशन भूल के
ब्यूटी ऑफ नेचर में खो जाते हैं। तो ब्यूटी ऑफ नेचर में हीलिंग पावर होता है जो हमारी चाइल्डहुड की और स्वीट मेमोरी से हमें जोड़ देता है। आई होप कि पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।